दोस्तों आज अपन आए नागपुर के नवरंग सावजी चाट सेंटर में। यह अपन देखने वाले नड्डा कबाब यानी पिंगर आलू। आज देखने वाले नड्डा कबाब, इसको अपन पिंगर भी बोल सकते हैं। ये भैया ने नड्डा कबाब बनाना चालू किया है। सबसे पहले इन्होंने आलू बॉईल किए हुए आलू लिए। भैया के पास स्पेशल चटनी भी है, एक खजूर की चटनी, दही की चटनी और मिर्ची की चटनी। अभी आलू के ऊपर टमाटर आएंगे, ऊपर से प्याज भी आ जाएंगे। अभी भैया ने धनिया डाल दिया उसके ऊपर, नमक और एक काला मसाला। काला नमक, अभी इसमें मिर्ची की चटनी भी आ जाएंगी स्पाइसी के लिए। वो चटपटा बना रहे आलू का मसाला, अभी अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे। अभी आलू का मसाला मिक्स हो गया है। अभी ये पिंगर लेंगे, नड्डा भी बोल सकते हैं अभी इसको। अभी इसको कटिंग करेंगे, बड़े पिंगर है इसलिए इसको कटिंग करके एक के दो करेंगे। अभी जो मसाला बना हुआ है आलू का, उसको स्टफिंग करेंगे पिंगर के अंदर डाल के। भैया स्टफिंग कर रहे हैं आलू का मसाला पिंगर के अंदर डाल के, अब देख रहे हो स्टफिंग हो रही है अच्छे से। ये भैया ने पूरा स्टफिंग कर, आलू का मसाला उसमें स्टफिंग कर लिया है, पिंगर के अंदर डाल दिया है। भैया की पूरी पिंगर के अंदर आलू का मसाला स्टफिंग हो गई है। भैया साथ में खजूर की चटनी, दही की चटनी और मिर्ची की चटनी। देखते इसको खा के कैसा लगता है। ऊपर से धनिया डाल दिए और अनार के दाने भी डाल दिए। ये बनके तैयार है नड्डा, नड्डा कबाब, जैसे फिंगर आलू फिंगर भी कह सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कैसा बना है नड्डा कबाब। बहुत बढ़िया, हमने बचपन में उंगलियाँ भर भर के फिंगर खाए थे, आज पहली बार ये आलू भर भर के हम फिंगर खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार है। और आप भी, आप बड़ा चटपटी स्पाइसी खाने के शौकीन है तो एक बार जरूर आइए खा के देखिए नड्डा कबाब, जिसके साथ दिए ये खजूर की चटनी है, साथ में दही की चटनी, इमली की चटनी और स्पाइसी चटनी है। खजूर की चटनी है, दही की चटनी है और मिर्ची की चटनी, बड़ा स्पाइसी टेस्टी है। तो आइए खाइए नवरंग सावजी चाट सेंटर में और मजा लीजिए।